वित्त मंत्री नाल आम मीटिंग। आज पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब दी आम मीटिंग श्री हरपाल सिंह चीमा वित्त मंत्री पंजाब नाल पंजाब भवन चंडीगढ़ विखे हुई। मीटिंग विच आगुआ ने पुरानी पेंशन बहाल करन दा नोटिफिकेशन तुरंत लागू करन, CPF कटौती तुरंत बंद करके GPF कटौती शुरू करन दी मांग नू जोरदार ढंग नाल उभारिया। नोटिफिकेशन लागू करन बारे वित्त मंत्री जी वल्लों पुरानी पेंशन बहाल करन लई 2 महीने दा समा मंगया। CPF कटौती बंद करन बारे वित्त मंत्री वल्लों बहुत जल्द कैबिनेट सब कमेटी दी अगली मीटिंग विच CPF कटौती बंद करन दा फैसला लैण दा भरोसा दिता। अप्रैल महीने विच ही कैबिनेट सब कमेटी दे मंत्रियां नू वड्डे डेपुटेशन लेके मिलिया जावेगा। 23 तरीक दे सांझे फरंट दे जलंधर एक्शन करके 22 अप्रैल दा एक्शन हाल दी कड़ी अगे पाया जांदा है। जिला जलंधर दे सारे MLA अते हलका इंचार्जां नू मास डेपुटेशन लेके मिलिया जावेगा। कमेटी दे अगले एक्शनां दी रूपरेखा उलीकण लई 30 अप्रैल नू सूबा कमेटी दी मीटिंग देश भगत यादगारी हाल विच होवेगी। अज दी मीटिंग विच सूबा कन्वीनर जसवीर सिंह तलवाड़ा, जरनैल सिंह पट्टी, अजीत पाल सिंह जसोवाल, जसविंदर सिंह जस्सा पिशोरिया, करमजीत सिंह तामकोट, बिक्रमजीत सिंह कद्दोन, वरिंदर विक्की, निर्मल सिंह मूगा, गुरदीप सिंह चीमा, हरप्रीत सिंह बराड़, परमिंदर सिंह, कुलविंदर सिंह, बलविंदर सिंह लोधीपुर, नरिंदर तूलकोट, गुरदेव सिंह, सतनाम सिंह, रविंदर सिंह, नवजोंश सपोलिया आदि हाजिर सन। अज पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी की 26 दी फरवरी की जिहड़ी पूरी रैली सी उहदे दबाव सदका अज वित्त मंत्री पंजाब नाल पंजाब भवन विखे मीटिंग हुई है। उहदे विच बड़े सुखावें माहौल च मीटिंग हुई है जिहदे विच पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी ने तथा सहित यह गल रखी है कि सरकार नूं 5 महीने बीत जाण बाद भी जिहड़ा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया सी पर SOP हजे तक जारी नहीं हुई उस दे बारे एक समाबद्ध किया जाए। तो पहली मंग साडी ये सी भी इस नूं फौरी तौर पर NPS कटौती बंद करन दा सरकार अज ही ऐलान करे ते GPF खाते शुरू करन दी गल करे। इहदे ते वित्त मंत्री जी नाल साडी लंबे समय चर्चा चली, उन्होंने कहा सी सारे राज्यों तों अंकड़े मंगा लिया, असी कहा जी इहनूं घट्टो घट 5 महीने बाद भी साड़ी जिहड़ी पुरानी पेंशन बहाली की गल जिहड़ी है सिरे नहीं लगी। असी हुण ऐन ही इत्थों उठ के जाणा, सानू स्पष्ट रूप च दस्या जावे भी सरकार होर किन्ना समां लैणा चाहुंदी है। उन्होंने इस ते कहा भी सानू घट्टो घट जिहड़े है 2 महीने जिहड़े है वह जरूर दिओ, क्योंकि असी भी चाहते हाँ भी पंजाब दे हितां नूं ते मुलाजमान दे हितां नूं सन्मुख रख्या जाए। असी इत्थे ये भी जोर दे के कहा भी सानू 2004 तो पहला वाली पेंशन ही चाहीदी है, इहदे विच कोई भी जिहड़ी फेरबदल सानू किसी भी हालत में मंजूर नहीं। पूरा सूबा कमेटी ने इस गल नू बड़ी जोर दे के आख्या, जिते वित्त मंत्री जी ने कहा भी साड़ी कोशिश है असी मुलाजम हितां नू मुख रख के ही जिहड़ी पेंशन है वह बहाल करांगे। इहदे नाल ही बाद चो फिर आगू साहिबाना ने बह के जो वित्त मंत्री जी ने आख्या उन्हां ते गल हुई है, उहदे विच असी कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले है। पहला तो यह है भी जिहड़ा 22 दा साडा झंडा मार सीगा वह हाल की घड़ी असी पोस्टपोन करके हुण 23 दे जिहड़े सांझा फरंट दा एक्शन है उहदे विच पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पूरा ताण माण नाल पूरे जोर नाल उस विच शामिल होएगी। जिहड़े भी सांझे फरंट दे एक्शन है उहनां विच सारिआं विच भरमी शमूलियत की जाएगी। इहदे नाल ही जिहड़ी कैबिनेट सब कमेटी दे मंत्री है जिहड़े 5 मंत्री है, क्योंकि अज असी जोर दे रहे सी वित्त मंत्री जी ते उन्होंने कहा भी मेरी अज कैबिनेट सब कमेटी पूरी नहीं बैठी, इस करके भी मैं NPS कटौती का फैसला नहीं लै सकता। इस करके असी अज निर्णय लिया भी वो जिहड़े 5 ही कैबिनेट सब कमेटी के मैंबर चीमा जी तो इलावा जिहड़े होर भी है उन्होंने मास डेपुटेशन जिहड़े उस जिले के आगू साहबान ते होर जिलों के मिलणगे। इहदे नाल ही 30 अप्रैल नूं अगली रणनीति लई 30 अप्रैल नूं देश भगत यादगार हाल जलंधर विखे सूबे की मीटिंग होएगी, जिहदे विच इस महीने दौरान क्योंकि वित्त मंत्री जी ने मीटिंग विच सानूं कहा जदों असीं पुछिया भई साढ़े 20 तो बाद बिल बणदे आ अगर चाहो तो हफ्ते 10 दिन विच भी जिहड़े है तुसीं NPS कटौती दा जिहड़ा लैटर है वह जारी कर सकते हो। उहदे विच उन्हां ने कहा भई 6 जां 7 दिनां बाद साडी कैबिनेट दी सब कमेटी की मीटिंग होनी है, मैं उहदे विच भी इह गल तुहाडी जिहड़ी तुसीं मेरे अगे रखी है मैं जोर दे के रखांगा।
रूप च स्पष्ट रूप च नहीं किया भी मैं इस महीने ही बंद कर देनी है, पर दो महीने का समा उन्होंने जरूर यह जोर दे के कहा भी तुम सू दो महीने का समा दो। असी दलीलां दित्तियां भी बाकी जिहड़े राज सी उन्होंने हिमाचल च शुरू हो गई, बाकियां ने पंजाब तो बाद चो निर्णय लिया, पर पुरानी पेंशन उन्होंने पहले नंबर पर बहाल कर दी है। तो साड़ी सरकारी इस गल तो देर क्यों, उन्होंने अपनियां दलीलां दे रहे सी, पर असी कहा भी सानू इस वेले मुख मंग जी पी एफ कटौती दी खाते खोलना ते एन पी एस कटौती बंद करना है, ते हू बहू पुरानी पेंशन 2004 वाली पहला ही सानू चाहिए है, उस तो सानू घट कुछ भी मंजूर नहीं। इस ते पहला भी सूबा कमेटी एकमत सी, अज भी असी दृढ़ता नाल ये गल उन्होंने अगे रखी है। हुण देखदे आने वाले समय च अगले संघर्ष संबंधी सांझे फ्रंट दे मैं सारे एन पी एस कर्मचारियों नू अज अपील करांगा कि वो सांझे फ्रंट दे घोलां विच वध चढ़ के भाग लैण। जिन्ना भी है जोर जिहड़े भी वो तीन प्रोग्राम उन्होंने दिते है, पहला उन्होंने 23 का साडा उन्होंने झंडा मार्च है इकट्ठा ही, सो दे विच सारे ने वध चढ़ के शमूलियत करनी है। तो नाल ही जिहड़े जलंधर हल्के दे आप दे MLA है, वो मैं जलंधर वाले एन पी एस कर्मचारियों नू बेनती करांगा भी मास डेपूटेशन बना के उत्थे दे साडे कुलदीप वालिया जी हैगे आ जिला कन्वीनर, ते नाल परविंदर सिंह जी होर जिहड़े जिहड़े लागले हैगे आ हुशियारपुर दे साथी संजीव धूत होर जिहड़े जिले लागले आ, मैं कह रहा वो सारिया ने जिहड़े जलंधर दे MLA आ उन्हां नू भी मास डेपूटेशन दे रूप में आप दे MLA नू मिलना है। और साडे साथी एके ते संघर्ष ते यकीन रखो, आने वाले समय च यह जित जिहड़ी है NPS कर्मचारियों की ही होनी है। इन्हां शब्दां नाल ही जय जनता जय संघर्ष जित लड़दे लोक।